पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम आम नागरिकों का सिरदर्द बन गए हैं। लेकिन सोचिए अगर वर्तमान स्थिति में कोई आपको करीब 75 रुपए पेट्रोल दे तो जाहिर है कि आप चौंक जाएंगे। हालांकि ऐसा ही एक मामला बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां पेट्रोल की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने अधिक जानकारी साझा की। खापरी स्थित एक बंद कंपनी के पीछे ACP अजनी की टीम ने छापा मारकर पेट्रोल की कालाबाजारी का खुलासा किया है। प्रकरण में पंप की बजाय पेट्रोल से भरा टैंकर कालाबाजारी के अड्डे पर खाली हो रहा था। घटना को टैंकर चालक अपनी महिला रिश्तेदार की मदद से अंजाम दे रहा था। बेलतरोड़ी थाने में प्रकरण दर्ज कर चालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से टैंकर सहित लाखों रुपए का माल जब्त किया गया है। रविवार को अवकाशकालीन अदालत दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फरार महिला आरोपी की तलाश जारी है। पेट्रोल की कालाबाजारी में लिप्त मीनाबाई विनोद द्विवेदी खापरी, उसका रिश्तेदार टैंकर चालक गणेश वामन वाघाए खापरी और दशरथ किसनजी कोटले दीपनगर नरसाला निवासी है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम को गणेश 12,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर लेकर डिपो से रवाना हुआ। उसे पेट्रोल नरेंद्र नगर स्थित पंप पर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन गणेश टैंकर को पंप पर ले जाने की जगह खापरी में भाग्यश्री नामक बंद कंपनी के पीछे मीनाबाई के कहने पर उसके मकान के पास ले गया। गणेश भी वहीं रहता है जहां आरोपी पेट्रोल चुराते हुए पकड़े गए। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी पेट्रोल की कालाबाजारी में लंबे समय से लिप्त हैं। आम्हाला आमच्या गोपनीय बातमीदारांकडून माहिती मिळाली होती की जे पेट्रोल पंप चालक आहेत त्यांच्याकडे डिलिव्हरी देण्यासाठी येणारे जे टँकर असतात त्याचे चालक त्या पेट्रोलच्या टँकरमधून पेट्रोलची चोरी करत असतात। त्यावरून आमच्या पथकाने आणि बेलतुर्डी पोलीस स्टेशनच्या पथकाने एक सापळा रचलेला होता आणि दिवसभराच्या सापळ्यांती खापरी रोड, खापरी नाका, वर्धा रोड या ठिकाणी एक इंडियन ऑइलचं जे पेट्रोल पंप पेट्रोलचं टँकर होतं ते टँकरवर कारवाई झालेली आहे। त्या टँकरचा जो चालक होता दशरथ किसन कोरडे तो त्या खापरी नाकावर उपस्थित असलेले गणेश वाघाए व मीना द्विवेदी यांना त्या टँकरमधून त्या टँकरचं जे कुलूप आहे त्याची डुप्लिकेट चावीनं ते लॉक खोलायचे आणि त्याच्यातून नकळत प्रत्येक टँकरमधून साधारणतः 100 लिटर ते 200 लिटरच्या आसपास पेट्रोल बाहेर काढायचं आणि त्या ठिकाणी कॅनमध्ये भरून घेऊन ते बाहेर इतर लोकांना विकायचं अशी चोरीचा धंदा त्या ठिकाणी चालत होता। त्याच्यावरून ACP ऑफिस अजनी यांच्या पथकाने त्या ठिकाणी रेड केली। त्या ठिकाणी आम्ही स्वतः होतो। त्यात 25,01,022 रुपयाचा मुद्देमाल सदर ठिकाणाहून जप्त केलेला आहे। शनिवार की शाम को अजनी विभाग के सहायक उपायुक्त गणेश बिरादर को गुप्त सूचना मिली कि बंद कंपनी के पीछे पेट्रोल की कालाबाजारी होने वाली है। उन्होंने अपनी टीम और बेलतरोड़ी पुलिस को छापा मारने का आदेश दिया। कार्रवाई के दौरान टैंकर से पेट्रोल चुराते हुए गणेश और दशरथ को रंगे हाथों धर दबोचा। छापे की भनक लगते ही मीनाबाई फरार हो गयी। तलाशी के दौरान मीनाबाई के घर से कई केनों में भरा पेट्रोल जब्त किया गया है। टैंकर समेत कुल 25 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN News नागपुर।